किस सोच में डूबे हैं जनाब? ये बच्चे रेलगाड़ी के पास नहीं खड़े हैं, बल्कि ये इन बच्चों का वही क्लासरूम है जहां ये पढ़ते हैं। सिर्फ यही क्लासरूम नहीं, पूरा स्कूल इसी रंग में रंगा है। इस काम को 10 से 15 लोगों ने मिलकर नहीं किया है, बल्कि अकेले एक ही आदमी ने किया है, और वो शख्स है सत्य प्रकाश गिल जी, जो कि इसी स्कूल में अध्यापक हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ, हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव पहलादगढ़ का इस सरकारी स्कूल अपने इस शिक्षक सत्य प्रकाश गिल जी का सदैव आभारी रहेगा। कुछ फंड अपनी तरफ से, कुछ सरकार की ओर से, और गांव वालों से इकट्ठा करके अकेले ही अपने सरकारी स्कूल को रेलगाड़ी का रूप दे दिया, और स्टेट न्यूज हरियाणा को इस बात से अवगत करवाया पहलादगढ़ के ही एक निवासी अमित जांगड़ा जी ने। लॉकडाउन और कोरोना के इस दौर में जहां कुछ लोगों ने कोरोना की बीमारी को ठीक करने में मददगार दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करके आपदा को अवसर में बदला, तो वहीं दूसरी तरफ एक सरकारी स्कूल के शिक्षक सत्य प्रकाश जी ने अपने स्कूल को एक नया लुक व भव्यता प्रदान कर आपदा को अवसर में बदला। सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो ऐसे महामारी के दौर में भी अपने बारे में ना सोचकर अपने स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। ये दौर जिसमें महामारी के कारण सिर्फ बुरी खबरों से ही पाला पड़ा है, जिससे भी बात करो हालात कुछ अच्छे नहीं बताते। अवसाद, बेरोजगारी, महामारी, गरीबी, तूफान, भूकंप, मृत्यु और आत्महत्या जैसे शब्दों को अकेले ही इस शख्स ने मात दे दी है। हरियाणा सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे, ताकि पूरे समाज में ये एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। रोचक तथ्य और हरियाणा से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। स्टेट न्यूज हरियाणा बनेगा आपकी आवाज। जब ये पिछले साल लॉकडाउन में जो कार्य किया है आपको, ये कहाँ से मन में आया और कैसे विचार आया जो ये इतना सुंदर आपने कार्य किया है? मैं इस बारे में सोचता तो काफी पहले से था, लेकिन किसी कारण उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाया। तो जो ही लॉकडाउन लगे उस टाइम पर मेरे विचार में आया कि क्यों ना मेरे स्कूल को और बेहतर बना पाऊँ। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे स्कूलों को सर्च करके देखा। एक राजस्थान में एक जो स्कूल था जो मेरे दिल को छू गया, मेरे बार बार ये लगन रही मैं क्यों ना मेरे अपने स्कूल को इसी रूप देकर। तो मैंने उसका जो ट्रेन का जो लुक था वो अपने आँखों से लॉकडाउन का जो समय था तो उसमें उसको समय लगा कर उसको करने की कोशिश की, और उस मुकाम को अभी कंटिन्यूटी हम दे रहे हैं। धीरे 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 नीचे थोड़ा सा इधर देखोगे आप तो फर्श के ऊपर भी हमने ऐसे ऐसे डाले हैं, उसको कलरफुल करने के लिए बच्चे अपने अपने अनुसार गेम और डॉप कर लेना है कि हमने खेल का कोई नाम देना है या कलर जो भी करते हैं दीवारों पर भी। और एक मुहिम हमने अभी और चलाई है कि गाँव में जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे 1962 की हो, चाहे वो हमारे आज़ाद हिंद फौज के हो, चाहे 71 की लड़ाई को हो या चाहे कारगिल की हो, उन शहीद स्कूल प्रांगण में लगाए ताकि बच्चे देख कर उसे प्रभावित होकर और कुछ ज़्यादा सीख सकें। ऐसी मुहिम हमारी अभी तक चलती आ रही है और इसमें काफ़ी शहरों का ग्राम पंचायत से भी मिला है और भाई अमित से भी बहुत हमेशा पॉजिटिव विचार है। जैसे भी सहायता 24 घंटे इस विद्यालय के लिए तत्पर रहते हैं। और गुरुजी, ये अभी जैसे आपने ये सारा कार्य कर लिया, स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, तो आपके मन में इसके लिए क्या विचार हैं? कि एक तरह से मन में तकलीफ भी होती होगी कि इतनी मेहनत की आपने बच्चों के लिए और बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे। मैं देखो, तकलीफ तो होती है कोई भी चीज़ की, जो खूबसूरती उसमें परिवार हरा भरा खेलता कूदता नजर नहीं आएगा तो खूबसूरती कोई काम नहीं आएगी। दीवारों पर हमने ये खूबसूरती उकेर दी, लेकिन इसमें छोटे छोटे फूल हमारे बच्चे रूप इसमें खेलते हुए पढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे तो एक खूबसूरती कोई भी काम नहीं आएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे काम में जो रुकावट है वो कोरोना काल में जो ये है बीमारी महामारी है, ये बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही है। और भगवान से प्रार्थना करते जल्दी इससे हमें छूट मिल जाए और हमारी एक फुलवारी है जो बच्चों से महकती है, ये जल्दी महकती हुई नजर आए।